नमस्ते। आज मैं अपनी हिंदी दिवस के अवसर पर दो वाक्य बोलने जा रही हूँ। हिंदी भाषा की विशेषता। हिंदी एक व्यावहारिक भाषा है। वह सबसे अधिक सरल भाषा है। हिंदी बोलने और समझने वाली जनता 50 करोड़ से भी अधिक है। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी और भारत की राजभाषा है हिंदी। धन्यवाद। जी, मैं प्राप्ति परशुराम पुजारी आज हिंदी दिवस पर आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। इसको कभी ने अपनाया, मेरा भाई ने मान लिया। आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। हिंदी हर चित्र में आ गए, इसको अपना कल नाम करे। देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करे। हिंदी सबकी खुशहाली है, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में ही इस धरती में जो ख्वाब सुनहरा देखा है। तो आइए हिंदी बोले सीखा सिखाए। धन्यवाद। नाम वीर है। मेरी कविता का नाम है प्रकृति की सुषमा। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा। चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए, चमकीले चमकीले आसमान पर छाए। देखो कितने नीले पीले, नदियां बहती झरने झरते। रंग बिरंगे पुष्प खिलते, विविध तरह के फल फूलों से। प्रकृति के रंग सुंदर रंग झलकते, चारों ओर लताएं छाए। वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे पर्वत हैं, आकाश छूने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठती है धरती। छाई रहती ऐसी सुषमा, प्रकृति सदा ही हंसती। थैंक यू। नमस्ते अध्यापिका जी, मैं आराध्या मोहंती कक्षा 1 से आज बताने वाली हूँ हिंदी मेरे को क्यों पसंद है। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी लिखने पढ़ने और समझने में सरल है। हिंदी का उत्पन्न संस्कृत भाषा से हुआ है। दुनिया में हिंदी चौथा सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा है। अंग्रेजों को इसने नमस्ते सिखाया, उस हिंदी में बसती है मेरी जान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मुझे हिंदी पढ़ना बहुत